हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ओल्ड कप रीयूज आइडिया देने जा रही हूँ। आपको खूब सारे ढेर सारे मेरे टेबल पे कप दिख रहे हैं। इनका आप इनको एज ए प्लांटर या ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरे प्लांट्स लगे हुए थे, तीन तीन चार चार साल हो गए हैं। देखिए सब में नीचे होल है। मैं आप लोगों को फिर से इनको DIY करके बताने के लिए लाई हूँ। ये मेरा 5-6 साल पुराना हुआ, आज भी इसकी देखिए शाइन एज इट इज़ है और इसमें अच्छे से स्नेक प्लांट होल ग्रो कर रहा है। इनमें होल कैसे करना है, क्या करना है, मैं सब आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले प्लांटर बनाने का सबसे पहला ये सबको क्वेश्चन होता है कि हम उसमें नीचे ड्रेनेज होल कैसे बनाएंगे। इस वजह से भी लोग कतराते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले कोई भी क्लॉथ, मोटा टॉवल का कपड़ा बिछा लीजिए और कप को उल्टा रखिए। जिस जगह आपको होल करना है पॉइंटेड कील ले लीजिए। मेरे पास ये स्क्रू ड्राइवर है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। जिस जगह होल करना है पहले आप उसमें थोड़ा सा इस तरह से हल्का हल्का उसको हैमर की हेल्प से या किसी भारी चीज़ से हल्का हल्का आप उसमें एक ही जगह ये देखिए कितनी ईजिली आपका होल होता चला जाएगा। मैं आपके सामने पूरा करके दिखा रही हूँ। बस आपको स्ट्रांगली पकड़ना है उसको, ईजिली आपका होल हो जाएगा। ये देखिए मैंने अभी आपके सामने होल किया है और आप इसमें कोई भी प्लांट या ग्रो कर सकते हैं। रेड है तो मैं इसको रेड ही कलर इस पर लगाने वाली हूँ ताकि ये और अच्छे से शाइन करे। और मैं तो के कलर भी थोड़े डल हो गए हैं धूप में रखने की वजह से, तो मैं इसको रेड कलर से पेंट कर रही हूँ पूरा। इसको मैंने पूरा रेड कलर से करा है इस तरह से, और इसके बाद मैं येलो एक्रेलिक कलर ले रही हूँ। इसको मैं साइड में रखती हूँ। इसको मैं इसको मैं एज ए फेस या फेस प्लांटर बनाने की सोच रही हूँ, तो इसके सिर्फ इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा येलोइश शेड दूंगी नोज़ वगैरह का शेप देने के लिए। लेके करें तो बहुत इजीली हो जाता है। बाकी मैं ऑरेंज ही रखूँगी। दो कोट भी आप कर सकते हैं ड्राई होने के, क्योंकि ब्रश के निशान अगर विजिबल हो रहे हैं तो आप दो कोट लगा सकते हैं। उसके बाद मैं ये वाला इसको मैं साइड में रख रही हूँ, और इसके बाद मैं ये वाला कप एंड सॉसर, इसको मैं इसमें सॉसर भी मैं यूज़ कप और सॉसर वाले सेट को मैं एनामल कलर से करूँगी। एनामल कलर करने से पहले उसको अच्छी तरह आप हिला लें अच्छे से। बस इसके आपको दो कोट कपे करने पड़ेंगे सेरामिक में। और ड्राई होने के बाद कैसा लुक आएगा मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं एक कोट कर रही हूँ इस तरह से। देखिए इसके सॉसर में दो कोट हो गए हैं। अब इसी तरह मैं इस कप का हैंडल छोड़ते हुए मैं इसको पूरे अच्छे से इस पर रख दूँगी। अगर ये चिपक भी जाता है कुछ नहीं, मुझे इन दोनों का सेट की तरह ही इसको करना है, तो मैं इसको अच्छे से प्लेस कर ले रही हूँ और कलर कर दे रही हूँ। कुछ इस तरह की येलो कलर के प्लांटर फ्लावर्स हैं ओल्ड, इनको मैं इसलिए भी लगाना प्रेफर करूँगी क्योंकि ये वॉशेबल होते हैं, तो ये आप कहीं पे भी इजीली आप लगा सकते हैं। और अभी ये इजीली चिपक भी जाएंगे क्योंकि पेंट हमारा पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है। इनको आप जिस तरह से मोल्ड करना चाहें कप में इजीली स्टिक हो जाएंगे और एक 3D लुक देगा हमारे कप को। और वो इस पे अगर हम प्लांट डालेंगे या कुछ भी पानी प्लांट लगाते हैं या पानी डालते हैं तो ये निकलेगा नहीं, रिमूव नहीं होगा, और इस तरह से ये डेकोरेट भी हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं करूँगी क्योंकि बाद में मुझे इसमें और भी काम करने हैं। बस मैं एक बंच और या इधर और ऐड कर रही हूँ। बस आप इसमें आर्टिफिशियल बर्ड्स या कुछ भी लगा सकते हैं, ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है अगर इसमें आप प्लांट लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे। मैं बस ये हूँ कि अंदर ही रहे इस तरह से। वाइट बीड्स या कुछ भी गोल्डन बीड्स भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ इस पर। इसके बाद मैं
ये वाला मैंने रेड कलर से जो कल पेंट किया था इसी तरह का मेरे पास एक ब्लैक है, तो मैं इसको स्टडी टेबल में बच्चों की रखने वाली हूँ, तो एक का मैंने रेड बनाया हुआ है, रेड कर दूंगी एक का और एक का ब्लैक रहेगा। इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, आप बस ये इस टाइप के अल्फ़ाबेट मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनसे सजा दें, ये भी अच्छा गिल्टर लुक देते हैं। देखिए एट रेंडम आप कहीं पे प्लेन कप्स में लगा दें तो ये इस तरह से बहुत प्रिटी लुक देता है और सुंदर लगता है। थोड़े दिन बाद आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी इधर ये ग्लिटर का काम हुआ है, इसमें भी मैं ऐसे दो तीन लगा दे रही हूँ, ग्रीन इसमें लगा दे रही हूँ, रेड के साथ ग्रीन अच्छा लगता है। और ये हमारा बन के रेडी है, कुछ आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, एक में आप ब्रश रख लीजिए, एक में पेन वगैरह पेन होल्डर की तरह इसको आप यूज़ कर लीजिए। यह मेरा सेकंड कप का रिलेटेड, कप से रिलेटेड DIY कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले पे मैंने ये इस तरह से पेंट किया हुआ था, इसमें ये इस तरह की डिज़ाइन बनी हुई थी, तो मैं इसको सिंपली ज़्यादा इस पर मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, एज ए नोज बनाया हुआ था और इसमें नीचे इस तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने पेंट किया था सिर्फ इतना, और ये बालों के लिए यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कर दिया है मैंने, तो मैं इसमें ज़्यादा काम नहीं करूँगी, बस वाइट कलर से इसकी आईज और बनाऊँगी, बस इनको मैं ग्लू की हेल्प से इस पर स्टिक कर दूँगी। की हेल्प से मैंने सिंपल इसमें आईज लगा दी हैं और ऊपर मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, इसमें सेक्युलेंट प्लांट जेड प्लांट मैं अभी और दिखाती हूँ, जो जो इसमें इस वाले में मैंने आपको ऑलरेडी शो किया हुआ है, स्नेक प्लांट भी बहुत अच्छे से चल जाता है, ये वाला प्लांट मैं इसमें लगाऊंगी इस तरह से, और ये मेरा छोटा सा मिनी कप प्लांट, इस वाले पे मैंने दो आईज लगाई है, और ये लगाने के बाद मेरे पास एक ये बो भी था, उसको भी मैं इस पे साइड में ग्लू की हेल्प से लगा रही हूँ। और ये मेरा प्लांटर छोटू सा क्यूट सा रेडी है इस वाले, और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने अभी ये ऐसे ही रखा हुआ है और इसको मैं एज इट इज़ ही यूज़ करूँगी, इसमें थोड़ा सा ऐसे आर्टिफिशियल मैं लगा दे रही हूँ या बर्ड वर्ड या नेस्ट की तरह मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। इसके बाद मैं आपको ये वाला, इसमें मैंने जेड प्लांट लगाया हुआ है, इसमें नीचे ये ऑलरेडी विसल गिर गई थी इस वजह से होल हो गया था, तो इसमें मुझे होल भी नहीं करना पड़ा, तो मैंने इसको एज इट इज़ यूज़ किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट है तो इसमें सॉइल ऑलरेडी दिख रही है, तो इस पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, इस पे मैं सिर्फ एक सिंपल लेस लगा रही हूँ वाइट लेस, और उसको यहाँ पर कट करके आप चाहें तो स्टिक सुई धागे से भी बांध सकते हैं, अगर आपका वॉशेबल ग्लू नहीं है या आपको ग्लू गन से वैसे चिपकाना चाहिए, मैं अभी अगर आपको पानी डालना है, मैं तो पानी कप से डालती हूँ ताकि बाहर ज़्यादा आता नहीं है, और ये सब वो वाले फ्लावर्स भी वॉशेबल है, ये लेस वगैरह भी कप से, अगर आप इसमें या किसी बॉटल से पानी डाल रहे हैं डिस्पो, तो ये बाहर पानी नहीं आता और ये ख़राब भी नहीं होते, निकलते भी नहीं हैं, अगर आप टेबल पे या बेड साइड रखने हैं तो ये ईजिली चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। ये मेरा थर्ड रेडी है एज इट इज़, ऐसे ही कप था जो टूट गया था आपको मैंने पहले भी दिखाया था, इसमें मैंने वाइट लेस लगाई है, इसमें मैं ब्लैक लेस लगा रही हूँ,
व्हाइट के साथ ब्लैक बहुत अच्छी लगेगी और इसका ये वाला पार्ट भी ढक जाए। फिर ब्लू लगाते हुए इसमें मैं प्लांट नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैं इसमें मैं आप लोगों को शो करती हूँ इसको मैं किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ। इसमें मैं ऐसे ही ये कैंडल, मेरी जेल कैंडल है थोड़ी सी, तो मैं इसको ऐसे कैंडल होल्डर यूज़ कर रही हूँ। और आप वाइट फ्लावर भी मेरे पास है एक ऐसे, मैं वो बस साइड में लगा दूँगी। ये ऐसे कैंडल होल्डर मेरा रेडी है। इसके अलावा एक ये मेरा ऑलरेडी कप, काफ़ी डिज़ाइनर कप था, उसका हैंडल निकल गया था। बाकी ये कप सही है, इस पर मैंने ऑलरेडी जेड प्लांट लगा रखा है, ये 3-4 साल पुराना हो गया है। इसको मैं हाइड करने के लिए पहले मैंने यहाँ पे बटन्स लगाए हुए थे। ये मेरा काफ़ी पुराना है कप, और अब मैं इसमें मिरर यूज़ करने वाला है, लेकिन थोड़ी देर आपको होल्ड करना पड़ता है क्योंकि ये निकल गिर जाते हैं। आपको जैसे लगाना है थोड़ी देर आपको होल्ड करना पड़ेगा जब तक ये ड्राई ना हो जाए। इस तरह से ये हाइट भी हो जाता है और ये अच्छे भी लगते हैं। थोड़ा ड्राई होने तक आप इसको थोड़ा होल्ड करके रखिए, नहीं तो ये थोड़ी देर में निकल जाता है, फिर ड्राई हो जाएगा, फिर ये एज इट इज रहेगा। वैसे अभी ये गिरेगा नहीं, बट मजबूती के लिए थोड़ा आप ऐसे रख सकते हैं। आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी दूर पर भी इस तरह से एट रेंडम कहीं कहीं पे भी मिरर्स प्लेस कर सकते हो। ये रेडी है।